48 घंटे के बाद फैसला आएगा। चारों कैंडिडेट दावेदार है। इंतजार है 8 तारीख का। हमारे पास वक्त कम बचा है, लगभग 50 घंटे बचे हैं जो फैसला आएगा। अल्लाह ताला ने किसकी मुकद्दर में जीत रखी होगी 8 तारीख को पता चलेगा। गुलाम मोहम्मद सूरी साहब, शेख जफरुल्ला साहब, तारिक कीन साहब, प्यारी लाल साहब। हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आई होप जिगर में नेशन सलीम ठीक। वेलकम बैक अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना देरी करते हैं आज की वीडियो शुरू। और जो आज अपडेट देना है वो देना है इलेक्शन पर। चारों कैंडिडेट जो मेरी नज़र में दावेदार है, और हर एक कहता है कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है। अगर शेख जफरुल्ला की बात की जाए, शेख जफरुल्ला भी कहता है कि मुझे 10,500 मड़वा से है वोट। और प्यारी लाल शर्मा की अगर बात करेंगे, वो भी कहता है कि मुझे छात्रों ब्लॉक से 8,000 वोट है। और अगर सूरी साहब की बात करेंगे, वो भी कहते हैं कि मुझे 7,000 वोट मुगल मैदान ब्लॉक से है। और अगर तारिक कैन की बात करेंगे, वो भी कहते हैं कि मुझे भी 10,000 वोट भोंजवा से है। अब चारों कैंडिडेट जो है दावेदार लगते हैं, कोई भी जीत सकता है चारों में से। और जो जीत का फासला होगा, या तो 14 पर गेम बनेगी या तो 15 पर बनेगी। तो छात्र ब्लॉक की हम बात करेंगे। यहाँ से प्यारी लाल शर्मा जो है बराबर लीड करते हैं, 8,000 वोट यहाँ से प्यारी लाल शर्मा साहब लेते हैं। और उसके अलावा गुलाम सूरी साहब 2,500 वोट यहाँ से लेते हैं। और मुगल मैदान ब्लॉक की बात अगर की जाएगी, वहाँ से 7,000 वोट गुलाम सूरी साहब लेते हैं। और प्यारी लाल शर्मा साहब जो है वो 4,000 वोट लेते हैं वहाँ से। और 8-4 हो गए 12, दो ब्लॉक में, छात्रों ब्लॉक, मुगल मैदान ब्लॉक। अगर गुलाम सूरी साहब की बात करेंगे, 9,500 वोट दो ब्लॉकों में। अब लीड करता है प्यारी लाल शर्मा साहब, जो करता है 4,000। अब मड़वा से जो दावा है गुलाम सूरी साहब का, कि वो कहते हैं कि मैं वहाँ से 4,000 वोट लाऊंगा, और भोंजवा से 3,000। तो गेम जो है कोई भी जीत सकता है। अगर एक्सपीरियंस की बात करेंगे, यहाँ पर वो है गुलाम सूरी साहब के पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, इसमें कोई शक नहीं है। 3 इलेक्शन जो है गुलाम सूरी साहब ने छात्रों ब्लॉक इंद्रवाली से जीते हैं। 3 इलेक्शन हैट्रिक किए है गुलाम सूरी साहब ने। तो इसके अलावा जो है जफरुल्ला है, वो उभरता हुआ नया लीडर है। कुछ भी हो सकता है, जफरुल्ला भी जीत सकता है जो दावा करता है जफरुल्ला। लेकिन अगर यहाँ पर एक्सपीरियंस की हम बात करेंगे, यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से गुलाम सूरी साहब जीत कर है, वो भारी अक्सर से जीतेंगे। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।